थोड़ा ब्राउन टाइप का हो ना वो देखते हैं। कुछ लेडीज़ भी लगे हुए इसमें। अच्छा भाई एक तो ये है ये तो कुछ अजीब सा कार्टूनिक टाइप का लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैच्योरिटी नहीं आ रही इसको पहनकर। बस ठीक है चलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुफियान कराची लाइफस्टाइल से। अच्छा भाई मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई सी चीज़ लेकर आया हूँ। आप लोगों ने बहुत देखा होगा मतलब रास्तों में मुख्तलिफ जो है किनारों के ऊपर जो है हेलमेट्स वगैरह बिक रहे होते हैं, चश्मे बिक रहे होते हैं। तो जहाँ कराची की ज़िंदगी दिखा रहे हैं तो सोचा क्यों ना ये चीज़ भी आप लोगों के सामने लाई जाए। वैसे तो मुझे अपने लिए ख़रीदना था लेकिन मैंने कहा चलो खास खास वीडियो भी बना लेते हैं। तो पीछे जो है मेरे हेलमेट्स वगैरह लगे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और इस तरफ जो है ये चश्मे हैं। तो रेट्स वगैरह का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ कितने की है, लेकिन थोड़ा पहले हम लोग वैरायटी देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो साथ साथ रहिएगा। अच्छा भाई जैसे यहाँ से पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा मंज़र दिखाऊँगा। ये देखें ये जो है मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाज़माबाद, जो इम्तियाज़ है ना सामने, उसके सामने स्टॉल्स बहुत सारे लगे हुए होते हैं यहाँ पर। तो मैंने कई दफ़ा यहाँ पे रुक के पहले भी वीडियोस वगैरह बनाई हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स की, तो ये मुझे आज नज़र आया तो सोचा क्यों ना ये बनाई जाए। तो हेलमेट जो है ना ज़रा एक सरसरी तौर पे निगाह डाल देते हैं। वैसे तो इनके पास जो है 600 रुपये से स्टार्ट हो रहा है हेलमेट, ये जो लाइन है ना ये 600 रुपये के हेलमेट हैं। लेकिन ये इनका कहना यही है कि यार वीडियो में रेट बताओगे ना तो फिर लोग बाद में वीडियो देखते हैं रेट्स बाज़ात ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर वो मसला होता है। तो मैंने कहा भाई आप आईडी के लिए बता दो। तो ये नीचे वाली लाइन जो है ना ये 600 रुपए की है, ऊपर वाली जो है ये 800 रुपए की है। ये देखें 800 रुपए के हेलमेट देख लें क्वालिटी वगैरह। तो अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दुकान के बजाय अगर इस तरह की स्टॉल से ले लो ना तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं और नज़र भी बहुत आते हैं, ये जगह जगह आपको कराची की सड़कों पे कोने में मिल जाएंगे। तो ये देखें रेड है, मुख्तलिफ कलर्स लगे हुए हैं। अच्छा 600 रुपए से लेके 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1200 रुपए तक की रेंज है। तो वो एक थोड़ा वाले भी देख लेते हैं थोड़ा बेहतर अच्छी क्वालिटी का। ये देखें ये तो मुझे उसी तरह का लग रहा है, ये भी रखे हुए उन्होंने बड़े उस तरह से हैं कि मैं किसी एक चीज़ को टच करूँगा ना कोई चीज़ गिर ना जाए। बहरहाल बस अब आप लोग जो है ना एक आइडिया के तौर पे देख लें, जहाँ हम कराची की लाइफ ज़िंदगी दिखा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ भी आप लोगों के नज़र में आ गई है। तो भाई ये है ठीक है, बाकी के चश्मे देखते हैं इनके पास वो भी हैं ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, मैं ये लेने के लिए रुका था। देखें ये पहले आते थे भाई 40-40 रुपए के, अब ये भी मुझे 100 रुपए के जो है ना मिल रहे हैं। ये तो 100 रुपए की जोड़ी है, इसमें दो कलर्स होते हैं शुरू से आपने देखे होंगे, एक ब्लैक और एक ब्लू। तो ये भी इनके पास है, काफ़ी डब्बे के डब्बे भरे पड़े हुए हैं। अब देखते हैं चश्मा 100 रुपए का रेट है जो स्टैंडर्ड रेट है ना, बाकी 50 रुपए ऊपर और नीचे हो सकते हैं। 80 रुपये से स्टार्ट है नॉर्मल जो है चश्मा, वो 100 रुपये तक का है। तो ये भाई साहब आना नहीं चाह रहे वरना तो मैं आपका तारुफ़ करवा देता। फ़िलहाल जो है ना बस खाली मैं एक दो चश्मे बल्कि आपको पहन के दिखा दूँ तो इससे ज़रा एक लुक का आइडिया हो जाएगा, सही है किस तरह के आजकल चल रहे हैं चश्मे, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। भरमार है चश्मों की, खैर वीडियोज़ तो मैंने बहुत बनाई हैं। ये ईद के मौके पर जो चांद रात पे मैंने पापोश की वीडियो बनाई थी ना, वहाँ पे बचकाना ने चश्मे वगैरह बहुत दिखाए हैं, घड़ियाँ दिखाई हैं इस टाइप के बच्चों के। अच्छा भाई पहन पहन के देख लेते हैं एक आध चश्मा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वैसे बड़ा ये काला चश्मा तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है कि सड़क पार कराने वाले नहीं होते लोग कि भाई सड़क पार करा दो काला चश्मा मुझे नहीं पसंद। ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि जो है एक हाथ से जो है मैं मोबाइल पकड़ा हूँ वीडियो के लिए आप लोगों के लिए, और एक हाथ से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो ज़रा ब्राउन टाइप का हो ना वो देखते हैं,
कुछ लेडीज़ भी लगे हुए हैं इसमें, हमारे मतलब का ये लग रहा है कुछ। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, एक दो चश्मे जो पसंद आ रहे हैं ना मुझे, वो मैं निकाल के रख लेता हूँ, फिर पहन पहन के आपको दिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये अच्छा लग रहा है आपके, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम ख़रीद लूँगा। वैसे तो अभी है मेरे पास ब्लू कलर का, अक्सर मैं यूज़ करता हूँ वीडियोज़ वगैरह के लिए, लेकिन इससे अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा सा मंजर लग रहा है, ऑरेंज ऑरेंज पूरा, बड़ा खूबसूरत सा वो लग रहा है इसको चश्मे को पहन कर। अच्छा भाई थोड़ा साफ़ कर लूँ मैं, ये हो गया, देखिए निकाला है मैंने, एक हाथ से काम करने पड़ रहे हैं मुझे सारे। ये तो खैर अजीब ही लग रहा है येलो वाला देखने में, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा ना ऑप्शन के तौर पे। अच्छा भाई एक तो ये है ये तो कुछ अजीब सा कार्टूनिक टाइप का लग रहा है मेरे ऊपर, तो मैच्योरिटी नहीं आ रही इसको पहन कर हैं, लेकिन फिर भी अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, शर्माइएगा नहीं। सही है, एक ही हो गया, ये बच्चों के लिए मेरे ख्याल से सही है, बड़ा ठंडा ठंडा सा लुक आ रहा है इसको पहन कर ना, हर चीज़ ऐसा लग रहा है मौसम अच्छा हो गया, बारिश वाला मौसम हो गया। और एक ये है येलो कलर का, ये ऐसा लग रहा है धूप आ गई, खैर ये बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये थोड़ा ऑर्डिनरी टाइप का है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है, पायदार नहीं लग रहा मुझे, ऐसी एक दो दफ़ा पहनने में टूट जाएगा। तो ये भी बड़ा लाइट सा कलर है इसका, इसको पहन के ना ऐसा लग रहा है हर चीज़ लेमन कलर की हो गई, ये कुछ मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है अपने लिए। अब आप बताइएगा, समझ में आए तो मैं ले लूँगा। एक ये है, सही है, और सही है, कैसा लुक आ रहा है, ये हो गया। और एक ये चार मैंने निकाले थे वैरायटी के तौर पे, वैसे पसंद तो मुझे बस ये दो ही आ रहे हैं, तो बताइएगा सही है बस। तो इस तरह राह चलते हुए लोग अक्सर आ जाते हैं, तो उनको फ़ायदे का सौदा मिलता है तो दे भी लेते हैं, जैसे ये लोग भी आए हुए हैं। हाँ भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। चश्मा पसंद कर रहे हैं अपने लिए या हेलमेट? चश्मा देख रहे हैं, चश्मा देख रहे हैं, समझ में आया अभी तक? अभी एक तो देखा है, देख रहे हैं अभी। अच्छा वैसे बहुत ज़रूरी है यार चश्मा लगाना, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए ना चमक आती है आंखों पे। आती बिल्कुल ऐसा ही है, चमक आती है आंखों पे। और क्या कहना चाहेंगे कराची वालों को, कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस कोई पैगाम देना चाहेंगे कराची वालों को? पैगाम क्या देंगे। चलिए जी, आप कैसे हैं? ठीक है, टपा ठीक है आप? अच्छा भाई, अच्छा भाई मैं जो है एक दो चश्मे मैंने निकाले हैं, पसंद किए हैं मुझे, तो वो आप कमेंट्स में बताइएगा कौन सा मुझ पर अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं वो इंशाल्लाह खरीदूंगा इनसे आगे। अच्छा बहुत से लोगों के हेलमेट्स के शीशे वगैरह टूट जाते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर इनके पास अवेलेबल हैं, 250 रुपये का, 200 रुपये का जो है ये शीशा दे रहे हैं, देखें हर साइज़ का है ये, थोड़ा सा डार्क कलर में भी है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी है, तो अपने तौर पे आप लोग देख कर ले सकते हैं, 200-250 का रेट है ये, ठीक है। अच्छा एक जो है ना, ये एक डिपार्टमेंट उन्होंने ये कैप्स का लगाया हुआ है, तो ये कैप्स भी आप लोग देख सकते हैं, 850 रुपये का है ये, कोई भी इसमें से ले लें। अच्छा ऊपर वाले, नीचे वाले 350-350। अच्छा ये 350 वाले हैं, ये ज़रा 850-850 रुपये के हैं, तो क्वालिटी देख लेते हैं, पहनने वालों को तो खैर क्वालिटी का खुद ही आइडिया हो जाएगा, करीब से देख लेते हैं इसकी फिनिशिंग वगैरह किस तरह से सिलाई हुई हुई है, देखें 850 रुपये का है ये। लाला के इसमें कोई गुंजाइश हो जाएगी, ये बिल्कुल फाइनल रेट है, ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई कुछ ना कुछ रेट कम हो, थोड़ा बहुत हो जाएगी ना गुंजाइश। ये लेख रहा कैप है, ये अच्छा कैप जी, ये अच्छा कैप है, ये कैप अच्छा है। हाँ और ये आ गया जनाब, ये कितने का है? ये 850। ये भी 850 का है। अच्छा जी ऊपर वाली लाइन जो है ना वो 850 रुपये वाली है, बाकी ये 350-350 रुपये वाले हैं, ये कितने का दे रहे हो? थोड़ी बहुत तो गुंजाइश हो जाएगी। अच्छा ये तो बस टोटल वैरायटी आप लोगों को दिखानी थी, बाकी ये कि इस तरह लाइन से जो है यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए होते हैं, कई दफ़ा हम लोग रुक के, हम लोगों ने काफ़ी वीडियो वगैरह बनाई भी है यहाँ पे, उसके टब के बनाई थी मैंने, वो जो बच्चों का जो बाथ टब होता है ना जिसमें बच्चे नहाते वगैरह हैं,
और स्विमिंग पूल टाइप का जो होता है छोटा सा कलरफुल सा, वो यहाँ पे एक बंदा लेके बैठता है, इस वक्त नज़र नहीं आ रहा वो। तो यहाँ की हमने वीडियो बनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी थी वो, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके मखसूस मकाम हैं कराची में बैठने के, तो कभी यहाँ पर होता है, कभी जो है वो बनौली टाउन मस्जिद से पहले वाली जो चरंगी है ना, घोड़ा बना हुआ है वहाँ पर, तो वहीं पर जो है वो खड़ा हुआ होता है बंदा, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी ये कि मुख्तलिफ यहाँ पे चप्पल वगैरह चप्पलें हैं, शूज़ वगैरह मिल रहे हैं। तो जी बस ये यहाँ का माहौल है, आप लोगों को दिखाना था कराची की ज़िंदगी का एक हिस्सा आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। बस चलें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।